नमस्कार दोस्तों, मैं संचिता आपके साथ खेल के पुकार। आज हम बात करेंगे देश के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंडीशन। हम सब जानते हैं आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने बुरे कंडीशन में हैं, ये सच है। बट है वहाँ पे इलाज होता है, बट इलाज के नाम पे बहुत कुछ बैक पीछे से चलते हैं। जैसे कि गरीब इंसान के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है, वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल एफोर्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसलिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जब जाते हैं कोई उनको बोलते हैं कि आज तो बेड नहीं है, कोई बोलते हैं डॉक्टर अभी नहीं है, आप थोड़ा वेट करो आधे घंटे बाद आएंगे, कोई बोलता है ये मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, आप बगल वाली दुकान से खरीद के लेके आओ। अगर उनको मेडिसिन बाहर से खरीदना पड़ता है तो वो लोग यहाँ पे क्यों आते? उनके पास अगर पैसा होता तो वो नर्सिंग होम नहीं जाते ट्रीटमेंट कराने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे सस्ता होता है, गवर्नमेंट ने किया है उनके लिए, पर कहाँ कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि तेलंगाना में एक छोटी सी बच्ची को बेंच पे सुलाया गया, बोला गया कि अभी बेड नहीं है, बेंच पे लेटा के रखो, बाद में बेड देंगे। लेकिन क्या हुआ, वो बच्ची उस बेंच से गिर गई और वहीं पे उसकी मौत हो गई। ऐसे ही गाजियाबाद में 13 साल की बच्ची के ऊपर रेप हुआ, उसको लेके ट्रीटमेंट कराने के लिए चले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे क्या हुआ, अभी डॉक्टर नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर आए ही नहीं और वो वहीं पे अपनी जान दे दी। ऐसे थोड़ी होता है, अगर मरना ही है, अगर जान ही जा रहा है तो फिर हॉस्पिटल होने का क्या फ़ायदा? बीमारी अगर ठीक नहीं होता है तो हॉस्पिटल क्या कर लेंगे? अगर हॉस्पिटल है डॉक्टर होना ज़रूरी है, मेडिसिन होना ज़रूरी है, मेडिसिन नहीं है डॉक्टर नहीं है तो हॉस्पिटल होके क्या फ़ायदा, क्या काम का? बहुत सारे फंड्स भी आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो यूज़ होना चाहिए, वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी हुई है, लोगों को नीचे सोना पड़ रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, इवन प्रेग्नेंट औरत को भी नीचे लेटना पड़ रहा है धूप में। क्यों लेटना पड़ रहा है धूप में, जबकि फैसिलिटीज़ देना चाहिए। जब आप खोल रहे हो सबके लिए प्रॉपर बेड होना चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। सफाई का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो गए, इंसान भी साथ साथ गए, बीमार ऐसे ही बीमार इंसान गरीब इंसान मर जाएंगे। व्हीलचेयर हम क्यों यूज़ करते हैं? जो लोग के पैर में प्रॉब्लम होता है, जो चल नहीं पाते हैं, उसके लिए व्हीलचेयर यूज़ होता है ना। कुछ कुछ जगह पे जैसे आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है व्हीलचेयर कचरा उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी ऐसा हालत हो गया कि कचरा उठाने के व्हीलचेयर यूज़ करना पड़ रहा है, उसके लिए भी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी डस्टबिन वगैरह देने का बात किया है। वो कहा है क्यों व्हीलचेयर से कचरा उठाना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। अब हम किसी को ब्लेम क्या करें, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी हमको भी, अब हमको करना पड़ेगा कुछ। हम यंग जनरेशन ही कुछ कर सकते हैं इनके खिलाफ। चलते हैं चैरिटी करते हैं, थोड़ा बहुत हम जो कमाते हैं उसे थोड़ा हम उनको देते हैं। अगर हम आज किसी का भलाई करेंगे तो जब हमारा ज़रूरत होगा उस टाइम पर सब हमारे साथ में खड़े रहेंगे, भलाई करेंगे, अच्छा रहेगा। इसी सोच के साथ आज के लिए अलविदा, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।